बड़ी खबरों के साथ, जहां भारत जोड़ो यात्रा के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले संदिग्ध को नागदा पुलिस ने पकड़ लिया है। दरअसल बम से उड़ाने की धमकी की सूचना नागदा पुलिस ने इंदौर क्राइम ब्रांच को दी है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने नागदा से संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति का नाम गया से है, पिता भगवान सिंह हाबड़ा अरोड़ा है। व्यक्ति के पास मिले आधार कार्ड पर पता उत्तर प्रदेश के रायबरेली का है। फिलहाल इंदौर क्राइम ब्रांच मामले की जांच में जुटी है। इंदौर में थाना जूनी में एक अपराध पंजीकृत किया गया था। आप लोगों ने कुछ ध्यान होगा, कुछ दिन पहले एक इस तरह का एक पत्र मिला था जिस पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसका आधार पर इंदौर पुलिस जो जांच कर रही थी, जांच के आधार पर उन्हें एक संदिग्ध को नागदा में होना बताया था। उनकी सूचना पर हमारी नागदा पुलिस ने उसको हिरासत में लिया है और उस हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की गई है। प्राथमिक पूछताछ के बाद इंदौर की टीम आ रही है, चूंकि प्रकरण उनके यहाँ पंजीकृत है, तो बाकी विवेचना आगे इंदौर पुलिस करेगी।